वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं CBSE 12th की परीक्षा के बारे में। ये जो वीडियो आपको दिख रहा है वो 23 मई को हम बना रहे हैं और CBSE 12th का एग्ज़ाम 2021 का अभी तक जो है सो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल होते जा रहा है और सिलेबस तो घटाया ही गया था। उसके बाद जो है सो अभी एग्ज़ाम का डेट जो शिक्षा मंत्रालय का मीटिंग हुआ था उसमें 1 जून को लोगों ने फिक्स किया है कि 1 जून को बताएंगे कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम का क्या जो है सो तरीका हो। तो अभी जो है सो हम लोगों ने जो देखा उस पर या फिर और भी लोगों से जो जानकार लोग हैं उनसे ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम के बारे में 3 तरह का आइडिया है लोग जो कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि सिर्फ जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस के बारे में अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उसी 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो बोला जा रहा है वो कि जो एग्ज़ाम होता था 3 आवर्स का उसको जो है सो कर दिया 1.5 आवर्स का, कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम हो। तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए तो लगातार कर सकते हैं, या फिर कम समय लगे 3 घंटे की तैयारी बच्चों की ना हो तो 1.5 घंटे में हो जाए। और तीसरा जो है सो ये सब जो है सो लोग ये कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। और तीसरा क्या है कि सारा एग्ज़ाम जो है सो MCQ पैटर्न पर हो जाए, जैसा कि बिहार के कुछ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम्स हुआ था। तो पार्ट 3 का ग्रेजुएशन का मगध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, जो कि पूरी तरह से फुल्ली ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम था, उसमें एक भी सब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछा गया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है। अब हम लोगों ने जो तैयारी किया हुआ है उस तैयारी में हम लोगों ने 3 घंटे के पेपर के बारे में पढ़ा है, और उसमें क्या था कि 20 मार्क्स का लगभग ऑब्जेक्टिव सवाल 70 मार्क्स के थ्योरी वाले पेपर में, और फिर जो है सो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव था, ऐसा पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन बैंक वगैरह आपने जो बनाया होगा, मॉडल पेपर वगैरह बनाया होगा, उसमें यही चल रहा था। हाँ, ऑब्जेक्टिव सवाल था उसमें, तो उसमें एसर्शन रीजन टाइप का सवाल भी था, मोर देन वन ऑप्शन वाला भी होता था, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी होता था, तो ये सारा भी है। तो हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो वो जो सिंपल नीट या जेई मेन में जो ऑब्जेक्टिव आता है कि एक क्वेश्चन का 4 आंसर 4 में से सिर्फ एक सही, वैसा ऑब्जेक्टिव ना रहे, ये वैरायटी वाला ऑब्जेक्टिव हो सकता है। 1.5 घंटे का जो सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा सा अपना जो है सो टाइमिंग या जो सोचने का प्रोसेस है वो स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस तो जितना है उतना ही पढ़ना है। सिलेबस तो पूरा का पूरा है ही, जिसमें डिलीट किया गया ठीक है, 3 चैप्टर हटा दिया केमिस्ट्री से, लेकिन 1.5 घंटे में ही आपसे जो है सो जितना भी 13 चैप्टर अगर है तो 13 चैप्टर का 1.5 घंटे में सवाल होगा। तो आपको इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा जो है सो तैयार रखना पड़ेगा। और अगर सिर्फ 3 सब्जेक्ट का होता है तो इसके लिए जिन बच्चों ने जैसे कंप्यूटर है, इंग्लिश है, किसी का फिजिकल एजुकेशन है, ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबों को अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो 1 जून का इंतज़ार है, 1 जून को फैसला आ जाएगा कि एग्ज़ाम का डेट कब अनाउंस होने वाला है ये भी पता चल जाएगा, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। तो होप कि जो है सो कुछ जो है सो जल्दी फैसला आए, और बच्चों का जो भविष्य है वो अभी तो बीच में लटका हुआ है। 2021 का मई में तो रिज़ल्ट आता रहता था, और अभी तक जो है सो 2021 का मई में एग्ज़ाम के बारे में ही बात हो रहा है कि एग्ज़ाम कैसे हो, कब हो, तो बड़ा अजीब सा साल है। खैर, जो भी है, इसके लिए जो है सो आप मेरे चैनल को केमिस्ट्री अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको देखते रहिए, वहाँ पे आपको हर टॉपिक का जो है सो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहेगा और थ्योरी भी मिलते रहेगा। और अब हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड जो है सो थोड़ा सा रिविज़न बेस्ड मटेरियल बनाना शुरू करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो सब पसंद आया तो उसको फिर लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।